गुड मॉर्निंग, अभी मैं एडिट कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पे गुड मॉर्निंग है। आप जब देख रहे हो आप एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। ये व्लॉग बुढ़वा मंगल को आने वाला था जो 2 दिन पहले निकला, और उसके बाद नवरात्रि में आने वाला था जिसको अभी काफ़ी टाइम है, तो बीच में ही कर दे रहा हूँ, एडजस्ट कर लेना। इस मंदिर में अभी चल रही हैं बुढ़वा मंगल की तैयारियाँ। बंद है मंदिर, फिर भी एक बार चल लेते हैं अंदर। शूज़ की हालत ख़राब है, सारे अच्छे वाले शूज़ बरेली में रखे हैं, अभी इन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है। चलो, बाद मुझे मौका मिला है 12 देवी मंदिर जाने का, तो चलते हैं अंदर। मुझे याद नहीं कि मैं लास्ट कब आया था यहाँ पर। गेट पे आप देख सकते हैं माँ 12 देवी पूर्व द्वार, बाहर आपको मेले जैसी कई सारी दुकानें मिलेंगी, और इधर आपको समोसा 1 या 2 रुपये वाला समोसा, भुजिया, सेब, बर्तन, मतलब फलाना ढिमाका सब मिलेगा। चलते अंदर। लगभग 200 मीटर अंदर आने के बाद हमको मिला ये 12 देवी। लगभग 200 मीटर अंदर आने के बाद अपने को मिला ये 12 देवी मंदिर का मुख्य गेट। बाहर आपको प्रसाद, माला, फूल, चुनरी की दुकानें मिलेंगी। तो मंदिर के अंदर आते ही कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी आपको देखने को मिलेगा, ढोल नगाड़ों के साथ किसी का हो रहा होगा मुंडन वगैरह। मंदिर के अंदर शायद नवरात्रि की तैयारी और चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। ये मुख्य मंदिर 12 देवी दरबार, ये भी आप देख सकते हो। कल है बुढ़वा मंगल। से बाहर निकलते ही सामने की तरफ एक और छोटा सा मंदिर है शनिदेव का लग रहा है, और ये कोई कुआं है, और ये निकास द्वार मंदिर का, ढोल वगैरह सब यहीं बज रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको। मंदिर तो एक ये भी है जहाँ पर एक कुत्ता सो रहा है अभी, ये भी बहुत बड़ा श्रद्धालु लग रहा है। बजरंग बली, कल है बुढ़वा मंगल।
कितने बार बताएं, बार बार बताएं क्या, घंटा कभी बचता नहीं है। कानपुर के और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए रियल वेदांत कानपुर सर्च करो या डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देखो और अपना कमेंट हमें बताओ। कानपुर के अच्छे फूड पॉइंट्स, अच्छे मंदिर वगैरह के नीचे कमेंट करके बताना ताकि हम वहाँ पर भी जाके उन्हें कवर कर पाएँ। थैंक यू, लव यू, बाय, टेक केयर।